शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिवसेना नागपुर कार्यालय की ओर से जिला प्रमुख एवं सांसद प्रकाश जाधव और शहर प्रमुख मंगेश कड़व, इन्होंने अपने ऊपर लगाए हुए आरोपों का पत्र परिषद लेकर खंडन किया है। शिवसेना में गढ़चिरौली के जिला प्रमुख अशोक धापोड़कर, इन्हें चुनाव में उम्मीदवारी नहीं मिलने से उन्होंने शिवसेना को छोड़ दिया था, लेकिन बौखलाहट जारी थी। ऐसे में अशोक धापोड़कर द्वारा नागपुर शिवसेना शहर प्रमुख और जिला प्रमुख पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, जिसमें समाज में काफी बदनामी हो रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए नागपुर शिवसेना शहर प्रमुख और जिला प्रमुख इन्होंने लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खंडन किया और इस बारे में जानकारी दी। आए दिन शहर में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आती है। इसी क्रम में आज शिवसेना नागपुर कार्यालय के पास हम मौजूद है, जहां पे अशोक धापुरकर इस एक शिवसैनिकों ने मंगेश कड़व, जो नागपुर शहर के प्रमुख है, उनके ऊपर में 25 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आखिरकार ये आरोपों में कितना तथ्य है, क्या आइए ये तमाम बातों को लेकर हम मंगेश कड़व इनसे जानना चाहेंगे। मंगेश, ये बताइए, जिस प्रकार से आपके ऊपर में ये जो एलिगेशन जो लगाया उन्होंने कि आपने 25 लाख की धोखाधड़ी की है, क्या कहना चाहोगे आप? सर्वप्रथम मी सगळ्यांना जय महाराष्ट्र सांगतो। आज अशोक धापोडकर या व्यक्ति ने माझ्या विरुद्ध एक प्रेस मध्ये तक्रार टाकली होती आणि ती प्रकाशित पण झाली नागपूर नवभारत मध्ये। मी आपल्याला एवढं सांगेल कि शिवसेना पक्ष हे नागपूर शहरामध्ये एक चळवळीच्या माध्यमातून काम करत असतं आणि अशा काम करत असताना गेल्या काही महिन्या अगोदर अशोक धापोडकर हा आमच्याकडे आला होता आणि पक्षामध्ये हा आमच्यासोबत काम करत सुद्धा होता। पण हे काम करत असताना समोरचा व्यक्ती हा जेव्हा त्याला पद मिळालं आणि पद मिळाल्यानंतर त्या पदावरनं त्यांनी ते स्वतःचा राजीनामा दिला आणि राजीनामा दिल्यानंतर लगेचच आमची सरकार या महाराष्ट्रामध्ये आली असं त्याला जेव्हा माहीत झालं तो परत आमच्याकडे आला आणि येऊन आम्हाला एवढंच म्हटलं त्यांनी की मला परत एकदा पक्षामध्ये राहायचं आहे। पण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की अशोक धापोडकर याच्याबद्दल जेव्हा गडचिरोलीच्या लोकांनी जेव्हा त्याला सांगितलं की आम्ही याला आपण घेऊ शकत नाही आणि याच्यासोबत आम्ही काम पण करू शकत नाही, पण त्याचं असं म्हणणं होतं की बा मी तुमच्यासोबत एवढे वर्ष इथे काम केलेलं आहे, जर का तुम्ही मला इथे मला काम करू नाही दिलं तर मी तुम्हाला बदनाम करण्याचं काम करील। आणि अशामुळे मंगेश ये बताइए कि जिस तरह से आपके ऊपर में जो आरोप लगाए गए, क्या आप कहना चाहोगे? नहीं नहीं, ये सब झूठे आरोप है। कैसा है कि आज नागपुर में शिवसेना ही प्रकाश जाधव जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पे यहाँ पे काम कर रही है, पर ऐसा काम जब चलते हैं उस समय में इस तरीके के लोग जो है ये पक्ष को बदनाम करने का और पदाधिकारियों को बदनाम करने का इस तरह का काम करती है। तो आप थे नागपुर शहर के मंगेश कड़व, जिन्होंने बखूबी और बेबाकी के साथ बात करते हुए ये कहा कि उन्होंने पूरी तरह से इस बात का खंडन किया है और ये सिर्फ महज एक राजनीतिक बात के तौर पर इसे लिया गया है और जिस प्रकार के ये जो आरोप अशोक की तरफ से लगाए गए उसको पूरी तरह से उन्होंने डिनाई किया है। इस समय में शिवसेना को जिन्होंने काफी एक संजीवनी बूटी में कहना चाहूंगा, जो शिवसेना को जो मजबूत किया है, ऐसे प्रकाश जाधव इस समय हमारे साथ मौजूद है जो कि खासदार है और जिला प्रमुख भी थे। प्रकाश जी, ये पता कि जिस तरह से कामकाज जो हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने शिवसेना इस पार्टी को आपस में कहीं टकराने के लिए या उनके सबको अलग करने के लिए बात हो रही है, क्या इसमें कोई राजनीति नजर आ रही है आपकी? नहीं नहीं, शिवसेना को कौन टकराएगा? शिवसेना खुद एक अलग आंदोलन का नाम है। अभी सत्ताधारी पार्टी करके महाराष्ट्र में आदरणीय मुख्यमंत्री और पक्ष के प्रमुख आदरणीय उद्धव जी के नेतृत्व में शिवसेना का प्रवास आगे चल रहा है। मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि एक घटना आज पेपर में छप के आई नवभारत में, उसमें बोला है कि धोखाधड़ी का मामला उनके साथ में अशोक धापोड़कर नाम का व्यक्ति उनके साथ में हुआ। वो बहुत नौखे थे, नए थे, पक्ष में आए थे, कुछ दिन रहे, उनको गढ़चिरौली में लोकसभा का उम्मीदवारी चाहिए थी, नहीं मिली तो विधानसभा की उम्मीदवारी चाहिए थी, जब कोई भी उम्मीदवारी नहीं मिली तो पक्ष ने उनको जिला प्रमुख के पद पे विराजमान किया कि चलो आप पक्ष के संगठना का काम करिए। वो थोड़े दिन रहे और वो पोस्ट मिलते से ही वो पक्ष को छोड़ के चले गए, आज वो हमारे पक्ष में नहीं है। और आज वो 2019 के कोई घटना में कुछ देवान घेवान का एक मामला है, धोखाधड़ी का मामला है, ऐसा उनका कहना है, और उसमें उन्होंने जबरन द्वेष भावना से राजकीय प्रेरित होकर के ये बोला है कि उस घटना के समय जिला प्रमुख उपस्थित थे, जिनका नाम उन्होंने डाला वो शहर प्रमुख मंगेश कड़व आज पार्टी के शहर प्रमुख है जी। उनके ऊपर ब्लेम है, उनको पूछ लीजिए क्या मैं वहाँ था,
और अशोक धापोड़कर ने जो कहा कि मैं वहाँ था, तो मैं आपको स्पष्टपने बता देना चाहता हूँ कि ये फालतू हलकटगिरी की दलाली के मामले में शिवसेना का जिला प्रमुख कभी उपस्थित हो ही नहीं सकता। मैं तो था ही नहीं, ना मेरे उनके कभी कोई व्यवहार में कोई विषय नहीं थे, आज भी उनका मेरा परिचय है। ये घटना छपने के बाद आज उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पर 4 से 5 फ़ोन करके बताया कि ये किसी राजकीय प्रेरित होकर कुछ लोगों ने इसका गैरफायदा उठा करके इसको प्रकाशित किया है और मैं उसका खुद ही खंडन करूंगा, ये अपमानास्पद बात है, ये मैं खुद ही बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये उन्होंने कहा। प्रकाश जी, जिस प्रकार से शिवसेना को बदनाम करने के लिए इस तरह के जो कामकाज किए गए पार्टी स्तर पे, उसके ऊपर में क्या एक्शन लेना चाहोगे आप? नहीं, वो शिवसेना में नहीं है, अशोक धोपाड़कर ये पार्टी में नहीं है, और ऐसा अगर पार्टी में रह के कुछ करता है कोई तो उसको शिवसेना सबक सिखाएगी। अब धापोड़कर जी ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि नागपुर शहर के सारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो है, अलग अलग क्राइम ब्रांच वगैरह डिपार्टमेंट है, तो उनको पूछ लीजिए कि अशोक धापोड़कर जी का रिकॉर्ड क्या है पुलिस में, और अगर ऐसा गलत हरकत करने वाला आदमी कोई अगर किसी पे ब्लेम लगा करके बदनामी का कटकारस्थान अगर रचता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, तो इस तरह के प्रकाश यादव उन्होंने बात कही है कि जिस तरह से अशोक धापोड़कर इन्होंने जो आरोप लगाया उस आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, ऐसा इनका कहना है। तो वही शहर के जो अध्यक्ष है मंगेश कड़ो, उन्होंने भी यही कहा है। तो आए दिन राजनीति में इस प्रकार के कामकाज होते हैं, मगर एक बात तो पक्की में है कि जनता ये बहुत जागरूक है, और इस समय में महाराष्ट्र में सरकार जो है शिवसेना की यानी महाआघाड़ी की सरकार है, जो अच्छा कामकाज करते हुए नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, NBC News नागपुर।